यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कुलभूषण जाधव पर भारत अगले साल 18 फरवरी को पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाएगा। इंटरनेशनल अदालत में अगले साल 18 से 21 फरवरी तक कुलभूषण जाधव पर सुनवाई होगी। ये दो राउंड पहले भारत को इसमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान अपनी बात रखेगा। बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बनने के बाद भी उसके रुख में कोई बर्ताव नहीं आया। पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महसूद कुरैशी ने अगस्त में दावा किया था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाक के पास ठोस सबूत हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उसके खिलाफ मामले में जीतने की उम्मीद जताई। अयोध्या में राम मंदिर के मामले को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, आरएसएस को भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर से जुड़े ताजा बयान को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि कलयुग की केकई बीजेपी ने भगवान राम को 30 सालों से वनवास में रखा है और चुनाव के समय उन्हें राम याद आ जाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि मोहन भागवत जी का बयान हमने देखा, बरसात और चुनाव के मौसम में बहुत सारी मेंढक आवाज करते हैं, हर आवाज यथार्थ और सच्चाई में बदले ये जरूरी नहीं। पलवल के उटावड़ गांव में उस वक्त सनसनी देखी गई जब एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। एनआईए ने एक मस्जिद पर छापेमारी की और मस्जिद की गहनता से जांच की गई। एनआईए ने आतंकी फंडिंग के आधार पर कई इलाकों में छापेमारी की है और इसी कवायद में उटावड़ के मदरसों में छापेमारी की गई। एनआईए की टीम ने मदरसों में कागजात की जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि इससे पहले एनआईए ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर में छापेमारी की, साथ ही दिल्ली से एनआईए की टीम ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि मदरसों से आतंकी संगठनों को फंडिंग दी जा रही है, ये जानकारी मिली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है, गठबंधन से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग चुनाव लड़ने का साफ ऐलान कर दिया। मायावती ने अपने इस फैसले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि मायावती पहले ही छत्तीसगढ़ में जोगी की पार्टी से हाथ मिला चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बूते चुनाव लड़ेगी। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कुछ बाकी नेता कांग्रेस बीएसपी का गठबंधन नहीं होने देना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी ने फिरोजपुर झिरका में चल रहे महाकुश्ती दंगल में शिरकत की, इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। दो अक्टूबर को किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर राजकुमार सैनी ने कहा कि ये किसानों के साथ बर्बरता की गई है जिसकी वो निंदा करते हैं। बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष सुभाष बराला ने मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि सुभाष बराला टुहाना से सिरसा जा रहे थे। भूना के पास एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हुआ, घायल को देखकर बराला ने अपना काफिला रोका और घायल को अपनी जिप्सी में बिठाकर उसे अस्पताल ले जाया गया।
इधर यादरी जिले में बच्चे गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। आलम यह है कि परिजन छोटे बच्चों को गोद में उठाकर स्कूल ले जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर साल बरसात के बाद यही हालात होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम पंचायत और स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन जल भराव का समाधान अभी तक नहीं मिला। वहीं फतेहाबाद में एक ट्रक और गाड़ी की टक्कर के बाद सड़क पर जमकर बवाल देखा गया। बवाल इनोवा सवार गांव धांगड़ के सरपंच के भाई और ट्रक चालक के बीच देखा गया। साथ ही बवाल में बीच बचाव करने आए युवक पर सरपंच के भाई ने हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी सरपंच के भाई का पक्ष लिया। युवक के साथ अभद्रता की गई, पुलिस पर आरोप है। और हद तब हुई जब गाड़ी सवार के पक्ष में लोगों ने पुलिस के कब्जे से युवक को लिया और अस्पताल में बुरी तरह से उसे पीटा गया। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उपचार जारी। वहीं गोहलाचीका में अनाज मंडी में ना तो अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू हुई है और ना ही किसानों को धान रखने के लिए शेड्स दी गई है, जिसके चलते किसान परेशान थे और खुले आसमान के नीचे अपनी फसल रखने को मजबूर। किसानों की ओर से कहा गया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी खरीद 1 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से खरीद शुरू नहीं की गई है। अनाज मंडी में धान की जखा रेत और बजरी रखी गई है। वहीं हरियाणा में धान और बाजरे की सरकारी खरीद की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मंडियों में अभी तक बोली लगना शुरू नहीं हुआ। फतेहाबाद जिले के टोखाना में पिछले 4 दिनों से किसान मंडी में डेरा डाले हुए हैं। वही अभी तक एक भी राइस सेलर बोली लगाने नहीं पहुंचा है। मंडी सचिव का कहना है कि किसान अधिक नमी वाला धान लेकर आ रखे हैं, जिसके चलते बोलियां नहीं लगाई गई। वही कैथल में एक नाबालिग ने पुलिस कर्मियों समेत 18 लोगों पर दुष्कर्म करने और सहयोग करने के आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज करने के बाद इसकी जांच का जिम्मेदारी खुद मकिला थाना प्रभारी ने ली। एसपी आस्था मोदी की ओर से बताया गया कि पहले भी नाबालिग अपने पिता पर की रेप करने के आरोप लगा चुकी है, लेकिन बाद में सामने आया कि पीड़िता ने दबाव में आकर गलत बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अब पीड़िता गांव के ही कुछ लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा रही है। शिकायत में कहा गया कि पीड़िता के साथ लोगों ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया, साथ ही मारपीट भी की गई। कालका चंडीगढ़ रेलमार्ग पर ट्रेन के पहियों की चपेट में सांड फंस गया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से मृत सांड को ट्रेन के पहियों से बाहर निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की धमकी के बाद सीआईए हांसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए ने हांसी से एक युवक को 5 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि युवक का नाम इशरार बताया गया है, जो कि यूपी के शामली का रहने वाला है। साथ ही बताया गया कि सीआईए ने एएसआई संजय गक्खड़ के नेतृत्व में युवक को गिरफ्तार किया, कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा ने लेटर के जरिए हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। नूह के बाद भिवानी में भी गलघोटू बीमारी ने दस्तक दे दी है। गलघोटू आशंकित एक मरीज ने दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ा है। बच्चे की मौत की सूचना के बाद भिवानी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के चेकअप के लिए कैंप लगाया है। सीआईए की टीम ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख से ज्यादा की राशि बरामद की है। 15 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि गुप्त सूचना के आधार पर मकान में छापेमारी की गई, जहां से 15 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं देर रात पिंजोर नालागढ़ नेशनल हाईवे पर नकाबपोश लुटेरों का आतंक देखने को मिला है, जिन्होंने हथियार के बल पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर करीब 30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया।
लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन हथियारबंद लुटेरों ने तकले हाथापाई की, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वही हरियाणा में एक बार फिर से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारी धरने पर थे। उनका कहना है कि जो उनकी मांगे 18 मई को मानी गई थी उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते ये हड़ताल शुरू की गई। कर्मचारियों का पक्ष है कि जब प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई तो उसमें विभाग की मंत्री कविता जैन के अलावा राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और बाकी लोग भी उपस्थित थे, लेकिन उनकी मांगों को सिर्फ कागजों में माना गया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों की तालमेल कमेटी ने 6 अक्टूबर को हरियाणा के परिवहन मंत्री के घेराव का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग 16 और 17 अक्टूबर को चक्का जाम करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का 23वां चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि अप्रैल 2017 से जस्टिस संजय करोल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस सूर्यकांत इस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं। वो 2000 में हरियाणा के महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किए गए थे, महाधिवक्ता लगे। तो हरियाणा के हिसार जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में 10 फरवरी 1962 को उनका जन्म हुआ था। 1977 में गांव के स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की थी। 1981 में राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बरसात से जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मोदी सरकार की ओर से 122 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। जो भी पीड़ित को नुकसान पहुंचा है उसका आकलन लगाया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि गिरदावरी के बाद मुआवजा दिया जाना है। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल बढ़ाने की खबर पर भी सीएम ने कहा कि अभी सरकार के पास इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में सौर ऊर्जा के कार्यक्रम में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को प्रदेश में बढ़ावा देगी। इसके तहत लाहौल स्पीति में सौर ऊर्जा का 1000 मेगावाट का प्लांट भी विकसित किया जाएगा। हिमाचल के चंबा में हुई भारी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं और बिजली के पोल गिरने के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो बिजली ना होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही व्यापारियों को बिजली की वजह से उनके व्यापार में काफी मुश्किलों का सामना यहां करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली छात्रों को भी पढ़ने में काफी परेशानी है। अभी बहुत से स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, जिसके चलते बच्चों को रात को पढ़ने में काफी समस्या है और अधिकतर सड़कें बरसात की वजह से प्रभावित बताई गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की मदद से इलाके में संचालित एक बड़ी सेक्स रैकेट को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने मौके से 2 युवतियों समेत 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सिविल अस्पताल पालमपुर में मरीजों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। बताया गया कि लोगों की मांग पर अस्पताल आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बस शुरू की गई। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पालमपुर में जीरो बजट खेती पर आयोजित किए जा रखे 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। यह शिविर कृषि विभाग की ओर से आयोजित किया गया। किसानों को जीरो बजट खेती के बारे में जानकारी दी जा रखी है। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी किसानों से जीरो लागत खेती को अपनाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाने वाली है। कांग्रेस हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद ब्लॉक अध्यक्षों समेत कई समितियों के गठन की सूची जल्द जारी की जाएगी।
जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों की सूची जारी की जा चुकी है, जबकि ब्लॉक अध्यक्षों की सूची को लेकर लंबी कवायद की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के नेपाल क्लब पहुंचे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस दौरान 2000 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाना है। 60 छात्रों को सीएम योगी खुद अपने हाथों से सम्मानित करने वाले हैं। वहीं बागपत के बड़ूत कोतवाली में मामूली कहासुनी के बीच दो गुटों के बीच विवाद देखा गया, जिसके बाद गोली लगने से एक युवक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उपचार जारी है। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो जानकारी मिली कि जिन्होंने गोली चलाई थी वो दबंग हैं और पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। बुलंदशहर में दीवार बनाने के खिलाफ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। पिटाई के बाद दबंगों ने युवक का सिर भी मुंडवाया। पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने दीवार लगाने के विरोध में उसके जमकर पिटाई की है और फिर युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगाकर पीड़ित का सिर भी मुंडवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। यूपी के बरेली में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन के प्रतिबंध लगाने के बाद भी खनन माफियाओं ने खनन का एक नया तरीका अपना लिया। खनन माफिया ने पाइप के जरिए जमीन के अंदर से खनन शुरू किया है, जिस कारण कुछ ही महीनों में खनन वाली जगह पर 60 से 70 फीट गहरा तालाब बना डाला। तो खनन वैक्यूम की मदद से किया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है और छापेमारी की गई। पुलिस ने स्टोन क्रशर को सील कर दिया। यूपी के बिजनौर से एक वीडियो वायरल है, जिसमें ट्यूशन पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करता पकड़ा गया। दरअसल कॉलेज का शिक्षक अपने ही मकान में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में मुर्दों का बीमा करवाने के गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी ने बीमा कंपनी के एजेंट से मिलकर मुर्दों का बीमा करवाया। बीमा कंपनियों को करोड़ों का चूला लगाया गया। तो आरोपी ने ये सब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी। निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने रोहतास के डिहरी में एक बड़ी सभा की। इस दौरान उन्होंने मल्लाह जाति को संविधान के अनुसार आरक्षण दिए जाने की मांग की है। साहनी की ओर से कहा गया कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो ऐसे भी निषाद समाज के लोगों को हर राज्य में अलग अलग तरीके से आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया। बिहार के फारबिसगंज रानीगंज में सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल दो दिन पहले कुछ 6 बच्चियां नदी में डूब गई थी। इनमें से 5 बच्चियों को बचा लिया गया था, लेकिन एक बच्ची अभी तक नहीं मिल पाई है। लोगों का आरोप है कि बच्ची को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया था, लेकिन दूसरे दिन भी प्रशासन की तरफ से इस पर सुध नहीं लिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा रोष देखा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घंटों के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। अलीगढ़ के रामघाट रोड पर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की। छापेमारी देर रात की गई, जिससे मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से काफी सारा सामान जब्त किया है। हुक्का बार को सील किया गया है। अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने 5000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के कुशीनगर में पुलिस पर 20 दिनों के बाद भी रेप के आरोप में कार्रवाई न करने के आरोप हैं। आरोप ये है कि रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस केस को दबाने का प्रयास कर रही है। पुलिस पर आरोप। इसी मामले में आरोपी ने पीड़िता को अगवा किया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे बेच दिया गया, लेकिन एक वकील के बाद आरोपी ने उसे छोड़ दिया। अभी तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल सका।
यूपी के रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो भाइयों की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तीसरे भाई की हालत गंभीर बनी थी। आपको बता दें कि तीनों भाई नदी में स्नान करने गए थे। इस दौरान बच्चों को डूबता देखकर वहां खड़े बच्चों ने ग्रामीणों को सूचित जरूर किया और ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को नदी से निकाला, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी। साथ ही तीसरे बच्चे को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई। यूपी के बरेली में अचानक चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार अचानक गाड़ी की बोनट से धुआं उठा और उसके बाद धमाके के साथ कार में आग लग गई। हादसा बरेली की सीबीगंज के नेशनल हाईवे नंबर 24 का बताया गया है। कार में 5 लोग सवार थे और उन्होंने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी जबरदस्त थी कि हाईवे पर ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा, दोनों ओर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। फिलहाल अच्छी बात यह रखी कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ इस हादसे। महाराजगंज के घुगली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के अंबेडकर नगर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट देखी गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट शुरू हुई। वहीं बुलंदशहर में दीवार लगाने के विरोध में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की है। पिटाई के बाद दबंगों ने युवक का सिर भी मुंडवा दिया। पीड़ित के मुताबिक दबंगों ने दीवार लगाने के विरोध में उसकी जमकर पिटाई की है, फिर युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए, उसका मुंडन भी किया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पुलिस ने भी संज्ञान लिया। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दबंग आरोपियों की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। राजधानी लखनऊ एक बार फिर से गोलियों की तड़बड़ाहट से गूंज उठी। मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का बताया गया, जहां देर रात बदमाशों ने कार से जा रखे दो सगे भाइयों इमरान और अरमान को लाठी डंडों से पीटा, फिर गोली से उनकी हत्या की गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आनंद फानंद में घायलों को ट्रामा सेंटर भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार दोनों भाइयों की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सलमान खान के बैनर तले बनी फिल्म लवरात्रि का प्रमोशन करती नजर आई है। प्रियंका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में प्रियंका स्कूल की छोटी बच्चियों के साथ लवरात्रि के गाने पर थिरकती नजर आई है। करण जौहर का पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण का 6वां सीजन 21 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है। इसमें मेहमान के तौर पर सैफ अली खान और उनकी बेटी सारा शिरकत करेंगी। शो का प्रोमो जारी किया गया। बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक कपल दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों के बीच खटास आ गई है। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला भी कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर और दिशा का ब्रेकअप हो गया। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर फिर से पापा बनने वाले हैं। उनकी पत्नी प्रिया सचदेव मां बनने वाली है। इस खबर के बाद से एक बार फिर से करिश्मा और संजय का रिश्ता चर्चा। तनुश्री नाना पाटेकर विवाद भी सुर्खियों में बना है। इस मामले में बॉलीवुड के कई सेलेब तनुश्री के साथ आंकड़े हुए हैं। तनुश्री को 2 लीगल नोटिस मिले हैं और नाना पाटेकर के अलावा विवेक अग्निहोत्री ने भी तनुश्री को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस मिलने के बाद तनुश्री की ओर से कहा गया कि वो उत्पीड़न के खिलाफ बोलने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ बोलने पर प्राइज मिलता है।